हेलो दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट मैकेनिकल ऑटो या प्रोडक्शन के, तो यह लेक्चर आपके लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 26 होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे और सारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की सारी लिंक्स मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की सभी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां से ज्वाइन होकर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की जो टॉपिक हमारी है, वाहनों में ब्रेक का समंजन, ब्रेक एडजस्टमेंट इन व्हीकल्स। सबसे पहले फिगर देख लेते हैं हम, इसको स्क्रीन शॉट लेकर आप आसानी से अपने नोट्स में बना सकते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहला भाग होता है, ब्रेक पैडल होता है, ये लिंक वन होती है, ये हमारा जो होता है लिंक टू होती है, ये हमारा लिंक थ्री है। और ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, पत्ती लगी होती है, ये हमारी स्प्रिंग है। ये जो हमारा होता है ये पिन होता है, और ये जो हमारा होता है लॉक नट होता है। ये समंजन ब्रेक, वाहनों में ब्रेक समंजन में प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं कि ब्रेकों का सही प्रकार से काम ना करना निम्न कारण है। तो दोस्तों, ब्रेक यदि सही प्रकार से काम नहीं कर रहे तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले, यदि आपका ब्रेक काम नहीं कर रहा तो ब्रेक का स्तर क्या होता है, घिस जाता है। दूसरा नंबर जो हमारा है, यदि ब्रेक आपकी काम नहीं कर रही है तो ब्रेक का स्तर या ब्रेक शू की सतहों के मध्य गैप बढ़ जाता है। तीसरा जो हमारा है, ब्रेक का स्तर का जल जाना है। यदि आपकी ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको जांच करने के लिए क्या करना होगा कि देखना है उसका कहीं ब्रेक का स्तर जल तो नहीं गया। चौथा नंबर जो हमारा है, ब्रेक ड्रम का स्तर घिस जाने के कारण भी ब्रेक काम नहीं करती। पांचवा नंबर है, ब्रेक स्तर तथा ब्रेक ड्रमों को मिलाने वाली सतह का ग्रीस का जम जाना। यदि आपके ब्रेक स्तर तथा ब्रेक ड्रम को मिलाने वाली सतह में ग्रीस हो जाता है, उसके कारण भी आपकी ब्रेक काम नहीं करती। अब बात कर लेते हैं ब्रेक एडजस्टमेंट की, जो दो विधियों का है। सबसे पहला है हमारा मेजर एडजस्टमेंट, तीसरा जो हमारा माइनर एडजस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेजर मुख्य एडजस्टमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, मेजर एडजस्टमेंट प्रक्रिया में प्रयुक्त ड्रमों को खोल दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मुख्य एडजस्टमेंट में प्रयुक्त ड्रम को खोल दिया जाता, अब ब्रेक ड्रम तथा ब्रेक स्तर को घिस जाने की जांच की जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि ब्रेक ड्रम के खोलने के बाद अब क्या करेंगे, अब ब्रेक ड्रम तथा ब्रेक स्तर की जांच करेंगे घिस जाने की, कि वह घिसा है या नहीं। यदि ब्रेक ड्रम की सतह अधिक घिसी हुई है तो खरादन करके ठीक प्रकार सेट किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके ब्रेक ड्रम की सतह जो है वो घिस जाती है, तो आप क्या करते हैं, टर्निंग करने के बाद उसे ठीक कर सकते हैं। यदि ब्रेक की लाइनिंग घिस गई हो तो उसे बदल दिया जाता है। यदि वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक्स प्रयोग किया जा रहा है तो उसके तेल की जांच की जाती है। तो दोस्तों, यदि ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक है वो नहीं काम कर रही है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसके तेल की जाँच करेंगे कि उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल है या नहीं। अगर तेल नहीं है तो आप उसमें तेल डलवाएं, यदि तेल ख़राब हो गया तब भी आप तेल डलवा लें, जिससे आपकी ब्रेक प्रॉपर काम करने लगेगी। तो दोस्तों, उपयोग सभी कारणों के पश्चात ब्रेक ड्रम तथा ब्रेक शू को अच्छी तरह फिट कर दें। इसकी जांच करने के बाद क्या करना है, आपको सही प्रकार से फिट कर देना, जिससे आपकी क्या होगी, जो ब्रेक प्रणाली ब्रेक होगी वो सही तरीके से काम करने लगेगी। आप जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिनमें क्या होता है, कभी कभी आपने देखा कि बारिश के मौसम में यदि आप रोड पर चलते हैं गाड़ी लेकर, तो क्या होता है आपको ब्रेक लगाने के बाद तुरंत हमारी गाड़ी जो होती है रुकती नहीं है, कुछ दूरी पर उसकी पहिया जो होती है स्लिप करके जाती है, उसके बाद ही रुकती है। यह क्या होती है कि यह बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, इस कारण से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि वाहनों में एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली के प्रयोग करने से क्या होता है कि वाहनों में जो है इस दुर्घटना से बचा जाता है। तो दोस्तों, जो देख लीजिए इसके डिफिनेशन जो है, जब किसी गतिमान वाहनों में किसी फिसलने वाली सड़क पर ब्रेक अचानक लगाया जाता है तो वह तुरंत नहीं रुकती, बल्कि उसके पहिए कुछ दूर फिसलने के बाद रुकते हैं। इस कारण कई बार बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए
एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली की जो मुख्य भाग वो चार है। सबसे पहला हमारा होता है स्पीड सेंसर होता है, दूसरा जो हमारा है वाल्व होता है, तीसरा पंप होता है, चौथा जो हमारा होता है वैद्युत नियंत्रण यूनिट होती है। अब बात कर लेते हैं कि गति सेंसर क्या होता है यानी स्पीड सेंसर क्या होता है। स्पीड सेंसर या तो वाहन के टायर या तो फिर डिफरेंशियल में लगा होता है, वहाँ से वाहन की गति मापता है। तो दोस्तों स्पीड सेंसर का काम कितना है, इतना ही है केवल कि इसको टायर में या तो फिट किया जाता है या फिर डिफरेंशियल पर लगा होता है, और यह इसका क्या होता है काम कि यह गति को मापने का कार्य करता है। दूसरा नंबर जो हमारी है वाल्व, इस यंत्रावली में तेल लाइन में वाल्व का प्रयोग किया जाता है। प्रथम जो हमारा होता है प्रथम स्थिति या खुली स्थिति वाल्व, दूसरा जो हमारा है द्वितीय या स्थिति या बंद स्थिति वाल्व, तीसरा जो हमारा तृतीय या प्रेशर वाल्व होता है। अब बात कर लेते हैं कि पंप क्या होता है इसके बारे में। यह पंप का प्रयोग दाब को एक समान बनाने के में किया जाता है। दोस्तों जो हमारा ब्रेक में एंटी लॉक ब्रेक में पंप का कार्य यह है कि यह दाब को बनाए रखता है जिससे आपको प्रेशर मिलता है। अब बात कर लेते हैं चौथा वैद्युत नियंत्रण यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों वैद्युत नियंत्रण यूनिट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गति सेंसर द्वारा दी गई है उसकी सूचना पर कार्य करती है। तो दोस्तों हमारी वैद्युत नियंत्रण यूनिट क्या होती है कि जो हमारे स्पीड सेंसर के द्वारा जो संदेश इसको दिया जाता है उसी के द्वारा यह सूचना पाने के बाद कार्य करती है। अब बात करते हैं एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली की कार्य विधि क्या होती है, वर्किंग ऑफ एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत वैद्युत नियंत्रक गति सेंसर की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखता है। तो दोस्तों क्या होता है कि एंटी लॉक सिस्टम में क्या होता है कि गति नियंत्रक जो हमारा स्पीड सेंसर होता है उसकी स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखता है। जब वाहन का पहिया लॉक होता है तो उससे पहले वाहन का त्वरण समाप्त हो जाता है जिससे पहियों को लॉक करना सरल हो जाता है, परंतु गतिमान वाहनों में जड़त्व बल होने के कारण वाहन को आगे की ओर दबाव बनाता है जिसके कारण पहिया आगे की ओर स्लिप कर जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग ब्लॉक डायग्राम एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं आपको जूम इन करके दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेने के बाद आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था, अब नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होगी वो सस्पेंशन प्रणाली होगी। तो दोस्तों हमारा जो सस्पेंशन प्रणाली है उसका ये हमारी यूनिट 5 होने वाली है, इसको हम इस लेक्चर के बाद कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बीटी यूपीएससी द्वारा के सिलेबस द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सभी जो है लेक्चर्स आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे। आप लोग देख लीजिए ये जो हमारा इस प्रकार की नोट्स आपको मिलेगी। ये हमारा जो 5वां यूनिट है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगी, हमने अभी तक 4 यूनिट कवर कर दी है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। केवल आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारे सब्सक्राइब कर रहे हैं PDF के लिए, लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट सस्पेंशन प्रणाली के साथ।